हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हो। तो अब बज चुके शाम के 6 और 6 बजे, मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया है और आप देख रहे होगे 2 दिन में आपके साथ गुरुजी के, बड़े गुरुजी के, छतरपुर वाले गुरुजी के वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन मैं मंदिर चली गई थी और एक दिन सत्संग चली गई थी, तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के ध्यान करके, गुरुजी के सत्संग में जाके, गुरुजी के मंदिर में जाके। आप भी नहीं जुड़े हो तो एक बार जुड़िए, और फेसबुक पे बहुत सारे उनके ग्रुप पे वहाँ फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग हैं, तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सत्संग में भी गई थी और गुरुजी के दर्शन भी करने गई थी, तो हमारे इस दर्शन हो चुके, सत्संग में भी मैं जाके आ चुकी हूँ और आज मैंने 6 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलो, आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, आपके साथ दिखाऊँगी, आप उनको जानते भी हो, तो चलेंगे वीडियो में। राव दिखाती हूँ आपको, तो आपको मैं दिखाऊँगी। तो चलो गाइस, इस जाने से पहले मैं करने वाली पूजा। और जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो ये स्वरूप मुझे मिला था, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो इनको मैंने मंदिर में रख दिया है, उसको फ्रेम बनाना है। तो अभी पहले मैं करूँगी दिया बत्ती, फिर उसके बाद चलूँगी। तो ये गुरुजी का स्वरूप मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो चलो गाइस, पहले करूँगी पूजा, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने दिया बत्ती कर दिया है, आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने दिया बत्ती वगैरह कर लिया है, तो अभी दिया बत्ती करके मैं जाऊँगी, ताकि मुझे आने में लेट हो गया तब भी मंदिर की दिया बत्ती ना नहीं रहेगी। तो चलो गाइस, अभी मैं चल रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी वीडियो में कहाँ जाने वाले। तो चलो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे। एंजॉय दिस वीडियो। लॉक लगा दिया है और अभी मैं चल रही हूँ, तो यहीं पे फ्लोर फ्लोर से जाऊँगी। आपने देखा नहीं है कभी, लेकिन आपको दिखने के लिए मिल जाएगा तो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम ये वाले रास्ते से जाऊंगी, मैं कभी गई नहीं हूँ, तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो चलते हैं और आपको भी दिखा देंगे कि मैं कभी गई नहीं हूँ। नीचे से जाने से अच्छा मैंने कहा ऊपर ऊपर से चलते हैं। तो चलो, अभी आ रही हूँ यहाँ लिफ्ट के यहाँ पे, और यहाँ लिफ्ट है सेकेंड फ्लोर पर, और मुझे भी जाना है सेकेंड फ्लोर पर, और मैं अभी हूँ 6th फ्लोर पर। अभी देखती है लिफ्ट आएगी तो इसी में हम चलेंगे, और दिखाती हूँ आपको मैं सही से पहुँच पा रही हूँ क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वाले रास्ते से मैं जा रही हूँ। तो चलो, अभी लिफ्ट में आ चुकी हूँ। ये देखो, यहाँ की लिफ्ट है, गेट बंद हो चुका है, तो अभी चलेंगे। अभी ये लिफ्ट जा रही ऊपर, मुझे जाना था नीचे। अभी देखती हूँ कितने फ्लोर तक जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम, इतनी छोटी सी लिफ्ट है, इतनी छोटी लिफ्ट में फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। इसमें 2 या 4 ही लोग बैठ सकते हैं। तो अभी लिफ्ट आ चुकी है 15th फ्लोर पे, 16th फ्लोर। ये वाले मैं कभी आई नहीं थी, और ये वाली मुझे पता नहीं कितने वाली है, 19वीं मंजिल पे रुक चुकी है। तो यहाँ पे कोई नहीं आया, इसमें प्रेस किसी ने किया था। तो चलो, अभी चलते हैं हम 2nd फ्लोर पे। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं है, तो पता नहीं किस आएगी मुझे लेने के लिए। हो गए, फाइनली मुझे मिल चुका है घर, और देखो प्रीशा आ चुके हैं गेट बंद करके। हेलो प्रीशा, हेलो प्रीशा, हेलो हेलो जी, प्रीशा आ गई है। प्रीशा, आप मासी को लेने आ गए थे क्या? मैं देख रही थी प्रीशा कहाँ है, प्रीशा कहाँ है, फिर मैं डर गई, फिर मुझे आप दिख गए, फिर मैं खुश हो गई। हेलो गाइस, कह रहो गाइस, अभी हम आ चुके हैं प्रीशा के घर पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना पुलिस के पास ले जाऊंगी। सो गाइस, देखा प्रीशा क्या बोल रही है। तो प्रीशा के घर पे हम लोग आ चुके हैं, और ये है प्रीशा का घर, और प्रीशा के मम्मा भी। हेलो, और हमारे कैसे हो? अच्छी। तो हम आए आपके घर पे, तो आज हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम आए हैं हमारी दूसरी वाली फ्रेंड के घर पे, चलो आज ये भी प्रीशा का बर्थडे दिख रहे थे, प्रीशा का बर्थडे अभी आ रहा है। तो ये देखो, प्रीशा ने अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट लेके आई, रिटर्न गिफ्ट। तो आज आपको दिखाएंगे हम पैक करने वाले, प्रीशा भी हमें हेल्प करने वाली पैक करने के लिए। तो चलो, अभी ये टॉफीज है वो लेके आए हैं, तो चलो अभी हम इसकी पैकिंग करते हैं और आपको भी दिखाएंगे।
अभी हमने बहुत सारे गिफ्ट पैक किए और ये देखिए हमारी गिफ्ट पैकिंग हो रखी है। सो ये रिटर्न गिफ्ट के लिए प्रीशा के बर्थडे के लिए और हमने सारा रिटर्न गिफ्ट ना पैक किया है ना प्रीशा। सो यहाँ पे हमने रिशा ने भी हेल्प किया है पैकिंग करने के लिए और बहुत सारे हमारे सारे गिफ्ट देखो पैक हो चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। बाय बाय गाइस, मेरी बॉडी की गिफ्ट की पैकिंग हो चुकी है तो मेरी माँ से अब जा रही है घर। हाँ तो बाकी का रूटीन हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। प्रिशा अपने घर से शेयर करेगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो बताओ प्रिशा कहाँ से हमारे ब्लॉग में आएगी, कहती बाकी का रूटीन हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब ये मेरे घर में अपने जाऊंगी और ये अपने घर रहेगी तो कहाँ से पैक हो जाएगा। हाँ जी तभी मैं जा रही हूँ प्रिशा के घर से। और प्रिशा देखो प्रिशा, बाय प्रिशा, बाय बाय निशरी। तो गई चलो चलते हैं। प्रिशा के घर से आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ हमारे घर के लिए। तो अभी मैं यहाँ लिफ्ट में हूँ और वो भी थोड़े से पैक कर लिए हमने। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। तो मैं आ रखी हूँ यहाँ पे। चलो अभी चलते हैं, मिलती हूँ आपको थोड़े टाइम में। अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और मुझे लगी थी भूख तो मैं यहाँ पे बना रही स्वीट कॉर्न। तो चलो कैसे भी बनाती हूँ स्वीट कॉर्न आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे रखा है मैंने पैन गरम करने के लिए, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे स्वीट कॉर्न और इसके बाद मैं कुछ थोड़े से मसाले डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा मिक्स करके लूँगी और नॉर्मली बेसिक मसाले होते वो डालने वाली हूँ जो आपके घर में अवेलेबल होते वो। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया और हल्का सा घी डाल दूँगी और उसको कर दूँगी मिक्स। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नींबू और चाट मसाला। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला और नींबू डाल दिया है। बहुत चटपटे बनता है, झटपट बन जाता है और अच्छा भी लगता है। आपको बटर चाहिए तो बटर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे घी में बना दिया है। तो ये जब भूख लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता तो फटाफट स्वीट कॉर्न बनाओ खाओ, उसको टाइम नहीं लगता है बनने के लिए तो आप फटाफट बना के खा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे स्वीट कॉर्न बन चुके थे और अभी मैं खाने वाली हूँ उसको। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं कर रही हूँ इसको एंजॉय। तो चलो गाइस खाती हूँ और मिलती हूँ आपको। गाइस अभी बनाए थे मैंने स्वीट कॉर्न, मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख तो मैंने बनाए स्वीट कॉर्न और खा लिए है और आपके साथ छोटी सी रेसिपी भी शेयर की है। तो मैं जब स्वीट कॉर्न खाने का मन करता है तो सिंपली उसमें नमक मिर्च और हल्दी चाट मसाला और नींबू डालती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप भी जरूर ट्राई कर लीजिए, मैंने बना के खा भी लिया है और आपके साथ शेयर भी किया है। गाइस अब बज चुके हैं रात के 8:30 और 8:30 बजे का ये व्यू है आपको दिख सकता है। हमारी यहाँ है आज मार्केट, लेकिन सब्जी की मार्केट लगी है। यहाँ पे आप इसको दिख सकती है, एक दुकान दिख रही है ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे नवरात्रि का सामान मिल रहा है। तो यहाँ मार्केट भी लगना बंद हो चुकी है, बहुत सारी बहुत बड़ी मार्केट लगती थी वो मार्केट अभी लग नहीं रही है। तो यहाँ पे देखो अभी लगी हुई है सब्जी वाली मार्केट। तो चलो गाइस चलते हैं और बनाना है डिनर, मिलती हो आपको थोड़े टाइम में। हम लोग जा रहे थे नीचे कुछ सामान लेने के लिए तो अभी हम लोग आ रखे हैं लिफ्ट में। तो नीचे जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ कितना डेकोरेशन हुआ है नवरात्रि का। तो यहाँ पे लिफ्ट है 6 फ्लोर पे और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो चलते हैं अभी नीचे और दिखाते हैं आपको वीडियो में। तो गाइस अभी मैं आ रखी हूँ नीचे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे और इधर इतना अच्छा और इतना मस्त डेकोरेशन किया है सोसाइटी में तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख के। सो यहाँ पे देखिए इतना सुंदर लग रहा है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। काफ़ी मस्त यहाँ पे डेकोरेशन किया है हमारे सोसाइटी में। तो चलो अभी दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो हमारे सोसाइटी में लाइटिंग वगैरह की है दशहरे की नवरात्रि के लिए और यहाँ पर बहुत सुंदर किया हुआ है। फ्लावर्स अभी यहाँ पे आधा हो चुका था डेकोरेशन, मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी अच्छे से हो रखा है। अभी मैं दिखाती हूँ कितने सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन हो रखा है। तो ये हमारे यहाँ सोसाइटी में नवरात्रि का डेकोरेशन है, आपको दिख सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये मंदिर है और ये मंदिर के आसपास पंडाल बनाया गया है। तो जब मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, अभी मैं कहीं जा रही थी तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ डेकोरेशन। ये बाहर सोसाइटी के मंदिर के सामने वाला है, सोसाइटी के बाहर है। तो चलो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़े टाइम में। सो गाइस आपने देखा होगा कितना अच्छे से यहाँ डेकोरेशन किया है पीछे
बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है, नवरात्रि के लिए डेकोरेशन है, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है क्या डेकोरेशन कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो गाइस हम चल रहे कहीं पे, तो आपको जब भी नवरात्रि आएगी उस टाइम पे मैं आपको और भी हमारे यहाँ के प्रोग्राम दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, और डेकोरेशन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना। चलो गाइस चलते हैं।